श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन, भारतीय योग विद्या का चमत्कार। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, यह सत्संग हम लोगों को बहुत ऊंचे जाने को सिखलाता है, इतना ऊंचा जिससे विशेष कोई ऊंचाई नहीं हो सकती। ऊंचाई की शिखर पर पहुंचाने के लिए सत्संग सिखाता है। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, प्रत्यक्ष में संतों का संग वास्तव में बड़ा दुर्लभ है। संतों को पहचानने की योग्यता मुझ में नहीं है। बड़े बड़े साधकों तथा संत लोगों ने संतों का गुण जैसा वर्णन किया है, मैं उन्हें पहचानने योग्य बनूं, यह बहुत दुर्लभ है। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। सुनु मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं शारद श्रुति तेते। विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा शकुचानी। सो मोशन कही जात न कैसे, शाक वणिक मणि मन गुण जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसी साहब भी संत कहलाते हैं। वे बहुत अच्छे थे, लोग कहते हैं। उत्तर प्रांत के लोग उनको जानते हैं, इधर के लोग उन्हें विशेष नहीं जानते। उन्होंने कहा है, जो कोई कहे साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने अस्थित प्रज्ञ अर्थात संत का लक्षण पूछा कि वे कैसे बोलते चलते बैठते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देकर भगवान ने केवल उनका अस्थित प्रज्ञों संतों का गुण ही गाया है। संतों को ही मैं अस्थित प्रज्ञ कहता हूँ। संतों के गुण का वर्णन है, किंतु उनको ठीक ठीक पहचानना अति कठिन है। जो संत हो वे ही संत को पहचान सकते हैं, जैसे जौहरी हीरा को पहचानते हैं। हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध। जो कोई परखे साध को, ताका मता अगाध। हम लोगों के सामने पहले अमुक संत थे और अब हम लोगों के सामने अमुक संत हैं। इस तरह परीक्षित भाव से संतों की पहचान, उनका संग अर्थात सत्संग कैसे हो। गुरु महाराज ने कहा था, बेटा चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। संतों की वाणी जो उनके ग्रंथों में है उसको पढ़ो। यह संतों की वाणी संतों की आधी मुलाकात है। यही क्या कम है, बहुत है। लोग नए ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं। मैं कहता हूँ, जिन ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है उन्हें समझना चाहिए तथा उनके अनुकूल कर्म निरत होना चाहिए। इसीलिए संतों की वाणी का पाठ हमारे सत्संग में होता है। संतों की वाणी को हम समझेंगे, उसके अनुकूल चलेंगे। संतों की वाणी में है, जीवन से मरना वाला जो मरी जाने कोई, मरने पहले जो मरे तो अजर अरु अमर होए। मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोई, दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना होए। संत कबीर साहब। नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजे हो सिंजी बाजे, तव निर्भव पदु पाइए। गुरु नानक साहब। आप कहेंगे, जीते जी मर जाना तो साफ है। संत लोग भले ऐसा कहते हैं, परंतु हम लोगों के लिए यह उत्तम बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जो मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, पूर्ण परमानंद। छांदोग्योपनिषद में है कि ब्रह्म रंग्र में प्रवेश कर
मरो तो कोई कष्ट नहीं होता है। मरने के समय बहुत कष्ट होता है। किसी मरने वाले के निकट जाकर उन्हें देखिए कि उनका चेहरा कैसा कैसा होता है, उन्हें कष्ट हो रहा है, उनके चेहरे से ऐसा विदित होता होगा। जन्म होता है तो मृत्यु अवश्य होगी। अंड कटाह अमित लयकारी काल महादुरित क्रम भारी। शरीर बहुत दिनों तक रहने पर भी कभी अवश्य नाश होगा। ऐसी मौत से मरो कि फिर जन्म ना हो। असली मरना यही है, यह साप नहीं है। यह बहुत कुशल की बात है कि ऐसा मरो कि फिर नहीं मरोगे, पुनः दुख में नहीं जाओगे आओगे, किंतु ऐसा मरण अपने जीवन में ही हो जाए। पंजाब के स्वामी रामतीर्थ ने कुछ दिन विद्याध्ययन किया, उसके साथ ही उन्होंने योग साधन भी किया। उनके गुरु बड़े अच्छे थे। कुछ दिनों तक वे प्रोफेसर थे, फिर घर छोड़कर सन्यासी हो गए। वे जापान गए, वहां उन्होंने व्याख्यान दिया। वे अपने को राम बादशाह कहा करते थे और पास में एक पैसा भी नहीं रखते थे। वे जापान से अमेरिका गए। जापानी ने अमेरिका तक के जहाज का भाड़ा दे दिया था। अमेरिका पहुंचने पर वहां के लोगों ने पूछा कि तुम कितने रुपये साथ लाए हो जो यहां उतरोगे। उन्होंने कहा, मेरे पास रुपये नहीं। अमेरिकन ने कहा, तब तुम यहां उतर नहीं सकते। उन्होंने कहा, अवश्य उतरूंगा। अमेरिकन ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं राम बादशाह हूं। पुनः अमेरिकन ने पूछा, कौन राम बादशाह जिन्होंने भारत से जापान पहुंचकर व्याख्यान दिया है? उन्होंने कहा, हाँ वही राम बादशाह। वहां के एक और अमेरिकन सज्जन ने कहा कि इन्हें जहाज से उतरने दो, ये जब तक अमेरिका में रहेंगे तब तक मैं इनका सब खर्च अपने ऊपर लेता हूँ। राम बादशाह हंसे और बोल उठे, खजाना तो बादशाह के खजांची के पास में रहता है, खुद बादशाह के पास नहीं। उन सज्जनों की ओर बताकर उन्होंने कहा, देखो ये मेरे खजांची हैं। वहां के लोगों ने कहा कि आप विज्ञापन छपवाकर वितरण कराइए कि लोग आकर आपका व्याख्यान सुने। राम बादशाह ने कहा कि मैं इस तरह विज्ञापन वितरण नहीं करता हूँ। शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर मेरे पास आवे, सिवाय उनके और दूसरे कोई ना आवे, वे ही डॉक्टर मेरे विज्ञापन होंगे। ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों से उन्होंने अपने शरीर की जांच करवाई। डॉक्टरों ने अपनी जांच में उनके शरीर को बिल्कुल मृतक पाया। दिल का धड़कन और नाड़ियों के स्पंदन सभी बंद थे। फिर वह जिंदा कैसे हैं? यह देखकर डॉक्टर घबराए। राम बादशाह ने कहा कि शरीर सब दिन मृतक है, मैं जिंदा था, अभी जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगा। यही भारतीय योग विद्या है। जीते जी मर जाएं, यह बड़ी खुशी की बात है। शरीर मर है और जीवात्मा अमर है, यह कभी नहीं मरता। जीवन काल में शरीर से संग छूट गया, फिर मरने पर संग नहीं हो सकता। जिसके जीवन में शरीर संग है, उसके मरने पर शरीर नहीं छूट सकता। इस शरीर से कैसे छूटा जाए, यही हम लोग जानना, जनाना, करना और कराना चाहते हैं। इसलिए पहले शरीर को अस्थिर रखो, एक आसन से देर तक बैठो। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। भोजन की मात्रा जानो, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसको जानो। गीता कहती है, न पूरा भरकर खाओ, न बिल्कुल उपवासी रहो, स्वल्प भोगी बनो और तब भजन करो। बचपन में पढ़ने में मन नहीं लगता था। हमारे पिता, हमारे अभिभावक ने हमको स्कूल भेजा, इस तरह विद्या पढ़ा। महर्षि शिव व्रतकाल महोदय जी ने कहा है कि सत्संग में एक आसन से बैठो,
यह आसन का साधन है। ध्यान देकर सुनोगे तो क्या सत्संग हुआ यह समझ सकोगे। इस तरह मन को एक ओर लगाने का भी साधन होगा। मुरादाबाद में उन महर्षि जी का मुझे पहला दर्शन हुआ था, जहां यहां धरहरा हुए बिना बुलाए हुए ही आए थे। वे सरल हृदय के थे। उपर्युक्त प्रकार के फल लाभ का भजन साधन आराम में एकांत बैठ बैठ कर करना चाहिए। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।